नमस्कार, ए टू जेड न्यूज में आपका स्वागत है। आज राजधानी देहरादून के आईआरडीटी सभागार में चौथी बटालियन द गढ़वाल राइफल्स के पूर्व सैनिकों और परिवारजनों ने अपना नूरानांग युद्ध सम्मान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान सभी ने नूरानांग युद्ध के शहीदों को याद किया, तो वहीं अन्य सैनिकों को सम्मानित भी किया गया, जिसके चलते रिटायर्ड मेजर जनरल यादव ने कहा कि 17 नवंबर 1962 को हमारी गढ़वाल राइफल्स की पलटन ने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने चीनियों को मात दी थी और उनमें से राइफलमैन जसवंत सिंह, नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने मुख्य किरदार निभाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उसी युद्ध स्थल पर एक विशाल भवन है जिसे जसवंतगढ़ मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। मेरी उम्र जो थी मालूम यानी केवल 17 साल, तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस पलटन में जाने का मौका मिला। और जो हमारी फाइटिंग फोर्स है वो एक नूरानांग पलटन के नाम से भी जानी जाती है, फाइटिंग फोर्थ नाम से इसको दिया गया। तो एक बहुत अच्छा उत्साह उसके जो 1962 में हमारे बलवीर साहब भी यहाँ पर आए हैं, केवल एक ऐसे जो मुझे मिले हैं आज, जो कि मुझे उस समय नहीं मिले थे लेकिन इसके बाद मिले। तो एक जज्वा हमारे पूरी पलटन के जवानों का, और आज भी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं, अफसरान हैं, यशु साहिबान हैं, उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम हर साल नूरानांग डे को इसको मनाएंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जसवंत बाबा ने जो काम किया या हमारी फाइटिंग फोर्थ ने जो काम किया है, वो काम एक बहुत ही एक ऐसी बात है कि इस काम को कोई नहीं कर सकता था। लेकिन एक जज्वा और एक उनका जो काम करने का तरीका था, उसमें उन्होंने काम किया। तो मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि हमारे वीर जवान जो जिसने कि 3000 चीनियों को अकेले दम पर उसने खदेड़ा है, उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हुआ, तो ऐसे जवान हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। तो हमारे उत्तराखंड की सरकार को मेरा मानना ये है, मेरा मानना है करे या ना करे, लेकिन उत्तराखंड सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा, जिसको कि पूरे वर्ल्ड की सेना, पूरे विश्व की सेना जिसको जानते हैं, ऐसे हमारे जसवंत बाबा, ऐसे हमारे वीर गबर सिंह, ऐसे दरबान सिंह, कई हमारे सैनिक हैं, उनके नाम से हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रदेश सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को उसमें जो है करना चाहिए, मेरा केवल यही आग्रह रहेगा। और हम जहाँ तक मेरी अपनी है, मैं इस 17 नवंबर को हर साल एक अच्छे से अच्छे स्तर पर ले जाने का एक काम करूंगा, क्योंकि मैं उस पलटन का नमक खाया हूँ, उस पलटन में मैं रहा हूँ। और आज उत्तराखंड में मैं जो काफ़ी समय से राजनीतिक काम भी कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे अपने पलटन के लोगों के लिए सबसे पहले मेरा अपना जो मन है, मेरा जो मान है, मेरा सम्मान है, वो पलटन के लिए। धन्यवाद। मैसेज यही है कि देखिए, देश का जो मुद्दा होता है, अपने देश की सुरक्षा करना, अपने सरहद की सुरक्षा करना, अपने देशवासियों, उसमें आप समय समय पे नई नई हालात आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया नया समय आएगा। कुछ समय पे लगता है कि शायद ये अब हमारे लिए काम नहीं है, हमारा काम पीछे है। हर देशवासी का, हर जवान का यह क्या कहते हैं एम होना चाहिए, और उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश की तरफ बढ़े। और नए जवान के लिए इससे ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है, नए युवकों के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है कि आप देश के लिए इतना बड़ा कुछ करें। वहीं राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी की शहर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने की कवायद परवान चढ़ते दिख रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में भिक्षावृत्ति उन्मूलन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा विगत सप्ताह से भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों हेतु तैयार किए गए माइक्रो प्लान को जिलाधिकारी ने अनुमोदन दे दिया है। इसी दौरान रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों को इंसेंटिव केयर शेल्टर में उचित माहौल उपलब्ध कराने हेतु 3 सामाजिक संगठनों आसरा, सरफीना, समर्पण से जिला प्रशासन का MOU हस्ताक्षर कर आपस में आंतरित हो गया है। जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति
एवं बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्पलाइन बैठक लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके जनपद से कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति करते हुए न दिखे। बच्चों का स्थान स्कूलों में सड़कों पर भिक्षावृत्ति करना नहीं है। इसके लिए उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास अधिकारी को प्रभावी माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। उनके द्वारा इनकी नियमित समीक्षा की जा रही है। अब इस माइक्रो प्लान को डीएम ने अनुमोदन कर दिया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एंटी चाइल्ड बैगिंग को लेके जो विगत सप्ताहों से हमारा कार्य चल रहा था तो वो पूर्ण हो गया है, और जो उसका माइक्रो प्लान है वो आज अप्रूव हो गया है कि किस तरह से हम बच्चों को रिकवर करेंगे और तत्पश्चात उनको हम अपने इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, कि जिससे उनका जो एक बिहेवियरल चेंज है, जो एक उनका एफिनिटी है टुवर्ड्स स्टडीज, वो हम बढ़ा सकें और फिर फॉर्मल एजुकेशन से उनको लिंक कर सकें। इसके बाबत जो साधुराम कॉलेज है उसका टेंडर हो चुका है और उसका कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। तो प्रथम चरण में 3 कक्ष हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हॉल जो मल्टी एक्टिविटी हॉल होगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ों से बच्चों को एंगेज किया जाएगा, जिससे उनका ध्यान भिक्षावृत्ति से हट सके। तो वो अगले सप्ताह से हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आज हमारे जो 3 संस्थाएं हैं जो इस पुनीत कार्य में हमारे बाल विकास विभाग का सहायता प्रदान करेंगी, उनके साथ करार भी हो चुका है और उन सब ने अपने एग्रीमेंट्स एक्सचेंज कर लिए हैं। हमारे व्हीकल्स भी आ चुके हैं जनपद में और DPO उनको रेडी करवा रही हैं फॉर फ्लैगिंग ऑफ बाय ऑनरेबल सीएम। सो इसी मंथ हमारे व्हीकल्स जब ऑनरेबल सीएम द्वारा फ्लैग ऑफ किए जाते हैं तो वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और जनपद भर में पेट्रोलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। सर,